बात करते हैं गेम ओवर की। सवाल यह कि चेतन शर्मा पर फैसला कब होगा? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दो ईगो क्लैश है। इस टॉपिक को लाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। गांगुली ने कहा था, गांगुली ने कहा था विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ दिया? आज तक किसी को नहीं पता। तो चेतन शर्मा पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद भी अब तक बीसीसीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों के मुताबिक खबर यह मिल रही है कि चेतन शर्मा को अपना बचाव करने का मौका दिया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है जिसमें चेतन शर्मा अपना बचाव करें। यह बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब तक कोई कार्रवाई बीसीसीआई ने नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक चेतन शर्मा को अपना बचाव करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर सभी की निगाह है। देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं खासतौर से, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि चेतन शर्मा पर आखिर कार्रवाई कब होगी? पहला सवाल, कार्रवाई कब होगी? क्या कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी? इसकी स्पष्टता आएगी कि नहीं? सिलेक्शन की जो अगली बैठक होगी, क्या उसमें चेतन को शामिल किया जाएगा? क्या चेतन ही सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन की अगली बैठक में? तीसरे और चौथे टेस्ट सिलेक्शन में क्या चेतन की एंट्री होगी? क्या वही चीफ सिलेक्टर के तौर पर बैठेंगे और टीम सिलेक्ट करेंगे? तो जी न्यूज के ऑपरेशन गेम ओवर पर पूरा देश सकते में है। क्रिकेट प्रेमियों में भारी नाराजगी है। सवाल उठ रहे हैं कि बीसीसीआई आखिर चेतन शर्मा के खिलाफ कब एक्शन लेगा, लेकिन इसी बीच खबर है कि बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब तलब किया है। इंजुरी की बात ले जाता है तो मेरा प्रश्न, अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। मेरा तो खेलना था, ले नहीं मना था। अगला की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं मारे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बनवा जाते हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देने सर फिट है हम तो। फर्जी फिटनेस का खेल, चीफ सेलेक्टर फेल। जी न्यूज के स्टिंग से क्या एक्शन में है बीसीसीआई? खुलासे बड़े हैं तो क्या एक्शन भी बड़ा होगा? जी न्यूज के ऑपरेशन गेम ओवर से पूरा खेल जगत सकते में है। क्रिकेट के चाहने वाले सदमे में हैं, लेकिन चेतन शर्मा अभी तक सफाई के लिए आगे नहीं आए हैं। जी न्यूज के ऑपरेशन गेम ओवर में खुलासे के बाद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की कुर्सी पर खतरा भी मंडराने लगा है। चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन में कबूलनामा बीसीसीआई अधिकारियों को रास नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक चेतन शर्मा के खुलासे और दावे को लेकर बीसीसीआई गंभीर है। खबर यह भी है कि बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से बात की है और इस मामले में जवाब भी मांगा है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की किस्मत का फैसला लिखने से पहले बीसीसीआई उन्हें बचाव का एक मौका दे सकती है। जी न्यूज ने बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष सेलार से भी बोर्ड का रुख जानने की कोशिश की, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब रहा, बीसीसीआई जल्द ही आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करेगी। बीसीसीआई की अकाउंटेबिलिटी के तौर पर किस तरह से देखेंगे, कितना आप इस चीज को देखेंगे? अधिकृत बीसीसीआई इसके ऊपर मत बना के बताएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चेतन शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेने दिया जाएगा? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वो रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या के साथ मैच पर बैठ पाएंगे? तीसरा सवाल ये है कि
कि इस खुलासे के बाद क्या कोई खिलाड़ी चेतन शर्मा के साथ जुड़ाव रखना चाहेगा। It is so unfortunate that the selection committee chairman Sri Chetan Sharma has revealed some of the secrets of the Indian team selection and his personal meeting with some of the players who have visited his house. It is totally unfounded and it is not welcomed by a general public. And BCCI should take the call to remove Chetan Sharma from the chairman of selectors. अब आप किसी इंजरी को एक इंजेक्शन लगा के ठीक नहीं कर सकते, इंजरी का अपना टाइम होता है। जी न्यूज पर ऑपरेशन गेम ओवर के बाद क्रिकेट फैंस आहत हैं। सवाल उनके जहन में भी उठ रहा है कि आखिर मजबूत नजर आने वाली टीम हारती क्यों है। तो युवा पीढ़ी जो है, जितने मतलब इस खिलाड़ियों को अपना आइडल मानती है, उनके लिए कितना बड़ा धक्का है ये। साथ ये बहुत ही नाइंसाफी है और एक धोखा के जैसा है, क्योंकि ये मतलब अंदर ही अंदर कम्युनिटी जो सेलेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन ला के, मतलब प्लेयर्स को गलो कर रहे खेलने के लिए, ये बहुत ही एक बड़ा नाइंसाफी होता है जब अपना प्लेयर, एक प्लेयर की वजह से हमारा मैच हार जाता है। तकलीफ इस बात की है कि बाकी सभी जो जगह थी उनमें तो ये सब चलता था और खेल में भी ये चलने लगे है। मतलब फिलहाल चेतन शर्मा को लेकर BCCI का रुख क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना सच है कि जी न्यूज के इस खुलासे ने टीम सिलेक्शन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।